अच्छा, परिंदों के खरीदते वक्त क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें सर, ख्याल रखनी चाहिए? मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक पीस है अल्बाइनो रेड आई का। अब आप कोई भी बंदा बर्ड ले रहे हैं ना, सबसे पहले आप उसके पाउंड चेक करें। बर्ड फ्लाई कर रहा है, बर्ड की फ्लाई बिल्कुल ठीक है? जो बर्ड की फ्लाई बिल्कुल ठीक है, वो बर्ड बिल्कुल ओके है, वो बर्ड आप चेक कर। अस्सलाम वालेकुम, ये है डिमांड चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दानिश। अपने शौक को बनाएं कारोबार और पैसे कमाएं बार बार लगातार। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे बेहतरीन किस्म के बर्ड्स। अगर आपको परिंदों का शौक है, परिंदे पालने का शौक है, तो आपको ये भी होगा कि कहाँ से मिलेंगे सस्ते परिंदे और कैसे आप उनकी अच्छी देखभाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने एक अच्छा आइडिया आज के आज अपनाने और पैसे कमाने। तो आए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं वारसी बर्ड शॉप। तो चलें हमारे साथ। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0219255453। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास कमोबेश कितने किस्म के बर्ड्स होंगे और क्या क्या आज हमें मिले? अल्हम्दुलिल्लाह, लव बर्ड की तमाम वैरायटी तकरीबन पड़ी हुई है। पिंकिस की वैरायटी पड़ी है, डव पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलियन पैरट है जो रेगुलर रूटीन में आम पैरट यूज होते हैं घर में, जो लोग अफोर्डेबल रख सकते हैं, इसलिए वो सारे तमाम बर्ड हमारे पास हैं। यानी कि सस्ते परिंदों से लेके एग्जॉटिक परिंदों तक हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ आपको केयर करना भी सिखाएंगे, उनकी खुराक के बारे में बताएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आए देखने का सिलसिला शुरू करें। चलें जल्दी वैसे बताना शुरू करें। सर, ये ऑस्ट्रेलियन पैरट है, इसकी मार्केट का रेट जो है बड़े पेयर का कम से कम 900,000 रुपये। आपको रेफरेंस जो आएगा इंशाल्लाह 800 का पेयर उसको दूंगा और मेल और फीमेल की गारंटी होगी इंशाल्लाह और ब्रीड भी करेगा आपके पास। और लोकल माल है सारा, दिल्ली की ब्रीड है, कराची। अच्छा, वेस्ट इंडियन टोरंटो का नॉर्मल प्राइस जो ब्रीड है उससे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट? सर, ये तकरीबन अपने जो फीमेल है इसकी 5 लैक करती है, लेट करती है। अगर उसमें एक अगर अंडा खराब हो जाए तो 4 बच्चे आपके निकलते हैं। और ये बिजनेस के हवाले से भी देखा जाए तो बहुत बेहतर है। इसका एक पेयर की परचेजिंग हम तकरीबन 500 पर पेयर परचेजिंग हम करते हैं। अगर दो पेयर आप लगाएं, कितने अर्से में ये ब्रीड कर लेते हैं? हर 2.5 महीने के बाद ये ब्रीड। हर 2.5 महीने के बाद इनकी केयर के लिए, जैसे आपने ये केज में पत्थर वगैरह क्यों बिछाए? सर, ये इनकी केयर सिर्फ ये लिया, दाना इनको और पानी इनको टाइम पे दिया जाए। और अगर आपको बर्ड आपका थोड़ा सा वीक महसूस हो रहा है तो इनकी मेडिसिन वगैरह टोटल मिलती है, ब्रीडिंग फार्मूले मिलते हैं, वो इनको दिए जाए। और खुराक में क्या पसंद करते हैं? खुराक में मिक्स दाना होता है इनका। अगर कोई हल्का दाना, दाने भी किस्म है बाजरा अगर कोई देना चाहता है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है, मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि मिक्स दाना डाला जाए। 20-30 रुपए महंगा है जिसमें 5 से 8 दाने। जैसे पोल्ट्री वगैरह के लिए डिफरेंट सीड जाती है, इनका भी सीड का कोई साइज नंबर वगैरह है? इनका लव बर्ड का मिक्स सीड होता है, कॉकटेल का मिक्स सीड होता है, वो इनके लिए यूज कर सकते हैं, वो इनके लिए बेटर है। अच्छा, और क्या क्या? और सर, ये देखो डायमंड डव है। डायमंड डव मार्केट रेट इसका, इस टाइम गर्मियों का परिंदा है, ये गर्मियों में रेट इसका डबल हो जाता है। अच्छा जी, डायमंड डव इनको कहने की कोई खास? सर, डायमंड डव इसको इनके तरह की वजह से कहते हैं, असल में इनका नाम है वो चाइना डव है। अच्छा,
ठीक है, इनमें दो तीन कलर आते हैं, इसमें फाइट डॉग भी आती है, ब्लैक डॉग भी आती है, सिल्वर डॉग है, डायमंड डॉग है। ये डायमंड डॉग आपके सामने पड़ी हुई है, इसका पेयर आपके रेफरेंस जो आएगा इंशाल्लाह 1200 का पेयर उसको दे देंगे, मार्केट रेट 1500 है। जिस तरह मुख्तलिफ सीजन में बीमारियाँ आती रहती हैं, आप कह रहे हैं गर्मी का परिंदा है, बाकी गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में कौन कौन सी बीमारी है जिसके लिए इसकी वैक्सीनेशन की? सर इसकी वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ गर्मी में इनके आगे पानी और दाना हर टाइम पड़ा रहे, इनमें से खास बीमारी नहीं आती है, सिर्फ ये ठंड में कमजोर पड़ते हैं, ठंड में ये मरते भी बहुत ज्यादा है, बस ठंड में इनका ख्याल रखा जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर इनका नॉर्मल रखा जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इनके साथ और क्या क्या? सर ये स्ट्रॉबेरी फिंच है, स्ट्रॉबेरी फिंच के पट्टे हैं, ये बड़े नहीं है, पट्टे हैं, छोटी एज वाले हैं, और ये इसका पेयर मार्केट में पट्टों का रेट तकरीबन 1500 रुपया है, ये आपकी रेफरेंस जो है इंशाल्लाह 1000 रुपये का पेयर जो है वो यहाँ का पाकिस्तान का परिंदा तो नहीं है। सर ये स्ट्रॉबेरी फिंच जो है पाकिस्तान के जंगलात में बिल्कुल है, ये पाकिस्तान की है, ये लोकल फिंच है पाकिस्तान की स्ट्रॉबेरी फिंच। ये बताएं कि ये फिंच जो है ये कितने अर्से में बड़ा हो जाता है? ये तकरीबन 3 महीने के अभी, और ये ब्रीड करता है 7 महीने के बाद, 7 महीने बाद ब्रीड करेगा, और ये ब्रीड करेगा तो तकरीबन 7 से 8 अंडे ले करता है। आगे चलते हैं, ये क्या है? व्हाइट जावा पड़ी हुई है और ग्रे जावा के पट्टे पड़े हुए हैं, व्हाइट जावा का ब्रीडर पेयर पड़े हुए हैं कुछ, ये आपके रखना जो है इंशाल्लाह उसको 6500 का फाइनल पेयर दे देंगे, वैसे मार्केट रेट 7500-8000 है व्हाइट जावा, और ग्रे जावा के पट्टे पड़े हुए हैं ये पर पीस आपको 1000 रुपये का पीस एक दे देंगे ग्रे जावा का पट्टा जो। अच्छा, अगर हम इनको जैसे पालते हैं आम तोतों को घर में, तो कहते हैं कि जी इनको जब ये अंडे देते हैं कवर करके रखे नहीं तो ये अंडे छोड़ देते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकी केयर है, इनको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है, प्राइवेसी आप इनको दें, इनका पिंजरा एक जगह हैंग कर दें दीवार के साथ, इंशाल्लाह तो बहुत अच्छी ब्रीड आती है। ठीक है, और ये जो जावाज है ये कितने अच्छे में ब्रीड करते हैं? सर ये इनका सीजन होता है सर्दियों में, ये सर्दियों में ब्रीड करते हैं, अक्टूबर टू मार्च इनका सीजन होता है, ये सर्दियों में। और इनके लिए आइडियल टेम्परेचर कंडीशन है? इनके लिए बस टेम्परेचर सर्दी ठंड थोड़ी सी कम रखी जाए, गर्मियों में इनको कुछ नहीं होता है, ठंड ज्यादा भी ना हो, बस नॉर्मल टेम्परेचर इनका हो तो ये सर्वाइव करते हैं। कैसे पता चलेगा कि बर्ड आपके हेल्दी है, आगे चलते हैं? आगे क्या है? सर ये बंगाली फिंच है, ये मार्केट रेट इसका 1500-1600 रुपया है, इंशाल्लाह जो आपके रेफरेंस से आएगा 1200 का पेयर उसको दे देंगे, और ये बड़े पेयर है सारे बंगाली। सर जैसे अभी आपके बर्ड तो बहुत हेल्दी एक्टिव है, उड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कैसे पता चले कि बर्ड अब लेजी हो गया, अभी बीमार हो गया? सर ये सीट पर बैठना छोड़ देता है बर्ड आपका, नीचे साइड पर बैठना शुरू कर देगा, इसके पर नमक जाएंगे, आंखें नहीं खुलती हैं, और देखने में बर्ड अंदाजा हो जाता। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी दुम के कलर का और फैदर के कलर से भी जो है वो इनकी चिंता पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बर्ड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, कोई भी बर्ड है उसमें क्वालिटी आती है। कौन कौन सी चीजें हैं जो एक अच्छे बर्ड में हम देखते हैं? और उनके पंजे देखे जाते हैं, टेल देखी जाती है, नेल्स देखे जाते हैं, फ्लाई देखी जाती है कि उड़ है या नहीं उड़ है, आंखें देखी जाती हैं, जिस परिंदे की ये चीज ठीक है वो परिंदा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मैं नेक्स्ट ये पड़े हैं ग्रीन फिशर है, लव बर्ड है, लव बर्ड का बिल्कुल स्टार्ट इससे होता है ग्रीन फिशर, सबसे सस्ता जो लव बर्ड का स्टार्टिंग है वो ये वाला है, इसका पेयर इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स को 2500 का मिल जाएगा, बड़ा ब्रीडर पेयर, और पट्टे जिनको चाहिए होंगे उनको 1000 रुपये का पीस, 2000 का पेयर उनको दे देंगे। जबरदस्त। ये जो लव बर्ड्स हैं ये नाम पड़ा हुआ है या ये बाकी लव बर्ड्स हैं? ये लव बर्ड होते हैं बिल्कुल, ये और इनका ब्रीड का सीजन जो है वो अब एंडिंग में है, ये सर्दियों में ब्रीड करते हैं, अक्टूबर से लेके मार्च तक इनका ब्रीडिंग सीजन है। एक पेयर कितने अंडे देते थे और कितने अर्से में आपको अपना अगला जो है वो मिल जाता है? इनकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी अच्छी आप डाइट देंगे उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा, जो डाइट अच्छी देते हैं उनके पास तकरीबन 7-8 अंडे आते हैं, जो मतलब आम दाने के ऊपर ब्रीड करवाते हैं उनके पास 4 से 5। अच्छा, प्राइवेसी की आपने बात की तो इनकी केयर में प्राइवेसी में क्या क्या तरीकेकार है? कुछ लोग कहते हैं जी बॉक्सेज लगा दें ये करके, क्या ये बातें की? सर बॉक्सेस तो बिल्कुल ये बॉक्स में परिंदा ब्रीड करता है, और अगर आपने बड़ी कॉलोनी लगाई है तो उसके अंदर मक्खियाँ लगती हैं, वैसे तो बॉक्स में ज़्यादातर लोग इनसे ब्रीड लेते हैं, और इनकी प्राइवेसी का खासा ख्याल रखा जाता है, मतलब जिस केज के अंदर आपने रखा हुआ है उधर बच्चों का ज़्यादा आना जाना है या आपका ज़्यादा आना जाना है तो बर्ड डिस्टर्ब होता है, उधर ब्रीड नहीं करता है। कितनी जगह चाहिए और साथ साथ हमें अगले परिंदे भी बताते हैं? सर इनके लिए कम से कम ब्रीड लेने के लिए 1.5x2 केज का साइज चाहिए आपको लव बर्ड की ब्रीड लेने के लिए, और ये जो ये ज़्यादा फीस है 800 का पेयर है सर इसका, आपके व्यूअर्स के लिए 800 का कर देंगे, किंग साइज में बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी पड़े हुए हैं। अच्छा, आपने केजेस का जिक्र किया, आपकी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी केजेस बनी रही है आवाज गुजरने के लिए, तो केजेस भी आपसे अवेलेबल है? सर हर चीज अवेलेबल है, केजेस जिस तरह का आपको चाहिए, जिस तार के अंदर चाहिए, जिस साइज का चाहिए, इंशाल्लाह आपको साइज का मिलेगा इसके अंदर। ये मुझे बताएं कि आप और कौन कौन से बर्ड हैं? सर बर्ड ये इतना लव बर्ड पड़े हुए हैं, ये लेटिनो पसनाटा है,
लैटिनो कोसनाटा रिंग वर्ल्ड के अंदर है ये। इसका मार्केट रेट 6,500 है, आप लोग इसको इंशाल्लाह 5,000 रुपए का प्लेयर फाइनल इसका दे रहे हैं। मेल और फीमेल की इंशाल्लाह गारंटी होगी प्लेयर आपको पूरा दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट देखें कितने खूबसूरत मल्टी कलर बर्ड्स। सर ये ब्लू फिशर है इसमें, और कोबाल्ट पड़ा हुआ है, ब्लू मास पड़ा हुआ है इसमें, दो तीन तरह के बर्ड पड़े हुए हैं। अच्छा अली भाई, हमें ये जो परिंदे दिखा रहे हैं कैमरे में, ये कौन? सर ये कॉमन लैटिनो के पट्टे पड़े हुए हैं, ये आप इंशाल्लाह 3,200 का पेयर मिल जाएगा। मार्केट रेट इसका 3,500 से 4,000 का इसका रेट है कॉमन लैटिनो के पट्टों का। अच्छा, इनके साथ जो ऊपर बड़े खूबसूरत बर्ड हैं सर, ये बड़ा ब्रीडर पेयर है, कॉमन लैटिनो ही है। वो नीचे जो आपको पहले दिखाए थे वो पत्ते हैं, ये बड़े हैं और ये बड़ा पेयर है। कितने अरसे में बच्चे ब्रीडर पेयर में कन्वर्ट होते हैं? सर ये पट्टे हैं तकरीबन जो आपने पहले देखे हैं 3.5 से 4 मंथ इन की एज है, और ये बड़ा पेयर जो है ये 1 ईयर प्लस इन की एज है। अच्छा नेक्स्ट जनाब, ये छोटी की एज आ गई इसमें। सर इसके अंदर ब्लैक मास येलो चेस्ट पड़ा हुआ है, मार्केट रेट इसका भी 6,500 है, आपको इंशाल्लाह 5,000 का फाइनल मिल जाएगा। अच्छा जी, और आगे चलते हैं जनाब, परिंदे बेतहाशे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी ब्लैक मास येलो चेस्ट का पेयर है, ये भी आपको इसका बताया 5,000 का पेयर आपको इसका मिल जाएगा। अच्छा साथ हमें ये भी बताते एजुकेट करते जाएं कि ये जो परिंदे हैं, क्या हम इनको दो तीन किस्म के परिंदों को इकट्ठा रख सकते हैं? सर बिल्कुल रख सकते हैं, और ये येलो फिशर है, इसका रेट भी बता दें। सर ये आपके दोस्त इंशाल्लाह 4,000 रुपए का फाइनल पेयर मिल जाएगा, मार्केट रेट 5,000 रुपए है इसका येलो फिशर का। ये ग्रीन यूविंग ऑफ लाइन है, और ग्रीन ऑफ लाइन का ब्रीडर पेयर है सर, ये आपके दोस्त इंशाल्लाह 6,000 का फाइनल पेयर मिल जाएगा, मार्केट रेट 8,000 है इसका। ठीक है, ये होगोरोमो रेड आई का जोड़ा है सर, ये रेड आई है बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिए आपके व्यूअर्स को इंशाल्लाह 2,500 का पेयर दे देंगे, मार्केट रेट इसका भी 3,500 से 4,000 है। ऊपर चलते हैं जनाब, और भी हैं परिंदे बहुत सारे, ये बॉयलर डबल सर्कल में पेयर पड़ा हुआ है, मार्केट रेट इसका भी 6,500-7,000 है, आपके व्यूअर्स को इंशाल्लाह 5,000। और इसके साथ वाला जो है ये ब्लू ऑफलाइन का पेयर है, एक ब्लू ऑफलाइन का पीस है, एक ब्लू पेस्टल का पीस है, आपके व्यूअर्स को 5,000 का पेयर ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है? ये रोसिकोली का ब्रीडर पेयर पड़ा हुआ है 30 पेस में है, ये भी आपके व्यूअर्स को इंशाल्लाह 5,000 रुपए का फाइनल ये पेयर दे देंगे, मार्केट रेट इसका 5,500-6,000। तो परिंदे के शौकीन लोगों, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। आगे चलते हैं जनाब, ये आगे अली भाई, ये क्या? सर ये मिक्स पड़े हुए हैं, इसमें रोसिकोली के 2 पीस पड़े हैं, 30 पेस का पड़ा है, और एक ब्लू फिशर का पड़ा हुआ है, जिसको भी जिस तरह कई लोग आते हैं जिनको सिंगल पीस चाहिए होता है, मेल होता है, किसको फीमेल चाहिए, किसके पास फीमेल है, इसका भी बर्ड मिल जाएंगे उनको पसंद। सर ये ब्लू ऑफलाइन का बहुत खूबसूरत पेयर है, पट्टे हैं अभी सर ये, और अपना आप बता रहे हैं ये पेयर इंशाल्लाह की रेट को 6,500 का फाइनल दे जाएगा। केज की सफाई में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि इसमें इस काम में सफाई सबसे पहले है सर, सफाई रखेंगे तो आपका बर्ड एक्टिव और हेल्दी रहेगा, सफाई नहीं है। रेट भी बता दें सर, ये ब्लू फिशर है, ये बड़े पेयर हैं ब्लू फिशर के, ब्रीडर पेयर हैं कन्फर्म, ये 5,000 का पेयर आपको व्यस्त मिल जाएगा, ये कॉमन लैटिनो का ब्रीडर पेयर है, 5,500 का, ये भी आपको व्यस्त मिल जाएगा। अच्छा सफाई पे आप बता रहे थे कि सफाई दिन में कितनी दफा चाहिए सर? ये अगर आपका एक केज के अंदर एक एक पेयर पड़ा हुआ है तो आपको वीक में 2 दफा लाजमी उनकी ट्रे की सफाई करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके खूबसूरत सा तोता है जनाब, इसका बताइए अल्पाइनो स्प्लिट रेड आई का एक पीस है, और साथ ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट डीनो का है, ये पेयर 8,000 का आपको इंशाल्लाह दे देंगे। और भी है जनाब सामान इतना है कि अगर हम मुख्तलिफ पार्ट में भी बनाए तो पूरा नहीं। ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का पीस एक पड़ा हुआ है, कन्फर्म ब्रीड हुआ है, मेल है ये, और ये तकरीबन 7 मंथ इसकी एज है, रेडी टू ब्रीड है, अडल्ट पीस है, ये आपको तो इंशाल्लाह 6,000 का पीस मिल जाएगा। अच्छा, और ये साथ इसके ब्लैक मूव का ब्रीडर पेयर पड़ा हुआ है, बहुत ही छह हजार। अल्लाह ताला की कुदरत देखें जनाब, कितने खूबसूरत रंग है और एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होते। बिल्कुल, ये आपको इंशाल्लाह 5,000 का पेयर मिल जाएगा ब्लैक। अच्छा प्रॉफिट के बारे में बता रहे थे कि कितना मार्जिन है? सर प्रॉफिट मार्जिन ये काम में बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं जिन्होंने अपने घर में सेटअप्स लगाए हुए हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने लॉ कोर्ट के सेटअप लगाए हुए हैं, अपनी भीड़ जाती है यहाँ पे ला के हमें सेल करते हैं, लाखों कमा रहे हैं। अच्छा ये हमें बताएं कि आप बार बार कहते पट्टा है, इसकी क्या? सर ये पट्टा हमारी दुकान में दुकानदार ये छोटी एज वाले को कहते हैं, जो बच्चे होते हैं नई ब्रीड आती है। ठीक है सर, अभी अंडे से निकले कुछ अर्सा हुआ जी, तकरीबन जो 3 से 4 मंथ या 5 मंथ का होता है ना उसको पट्टा कहा जाता है। अच्छा और भी रेयर परिंदे कोई है? सर ये पड़े हैं, ये आपके सामने है, ये ब्रीडर पेयर है, कॉमन लैटिनो का मेल है, और 30 पेस रोजी कोली की फीमेल है,
और इसके साथ ही अल्बाइनो के पट्टे पड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी इनकी चोंचे वगैरह काटनी पड़ती हैं, पर काटने पड़ते हैं, ऐसा कोई है? वो नहीं, वो ग्रीन पैरट के लिए होता है, वो जिन्होंने रखे हुए हैं। आजकल दोस्तों वो बंदी लगी हुई है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है, जिस वजह से वो शॉप पे मौजूद है। सारे परिंदों के लिए नहीं, खास परिंदों इनकी क्या प्राइस? ग्रीन फिशर है सर, ये पट्टे पड़े हैं ग्रीन फिशर के, 4 मंथ इनकी एज है। ये उनको प्राइवेसी देने के लिए, बिल्कुल प्राइवेसी देने के लिए, जिसमें बहुत अच्छी ब्रीड करती है उनके लिए। अच्छा, पुराने टाइम में केज के अंदर जो है ना वो रखी जाती थी मटकियाँ, आप देख सकते हैं ट्रेस रखी गई है। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन तो होती रही, साथ ही साथ हम आपको जबरदस्त कारोबार भी दिखाते रहे। ये लास्ट परिंदे हैं जी, आप इस वीडियो में तिरंगा लाने वाले पार्ट सर ये और भी बताएंगे। कुछ भी पड़े हुए हैं वही जो ऊपर आपको दिखाए थे, इनमें कुछ बच्चे भी पड़े हैं, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके बच्चे साथ हैं तो उनको अलहदा रखा हुआ है ताकि वो अपने बच्चों को फीड करवा सकें। बड़े केज में डाल दें तो फिर उनके माँ बाप अलहदा हो जाते हैं, दूसरे बर्ड भी मारते हैं। अच्छा, परिंदों के खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें ख्याल रखनी चाहिए? मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये एक पीस है अल्बाइनो रेड आई का। अब आप कोई भी बंदा बर्ड ले रहे हैं ना, सबसे पहले आप उसके पाउंड चेक करें, पंजे चेक करें, नेल्स कंप्लीट है ठीक है। उसके बाद आप आंख देख लें, आंख ठीक है बर्ड की बिल्कुल। उसके बाद आप चोंच देख लें, चोंच अब जिस किसी ऑरेंज है एंड से आप देख रहे हैं, ये अभी तकरीबन 4 मंथ्स का पट्टा है। जब ये चोंच फुल वाइट इस तरह इसकी क्लियर हो जाएगी, समझेंगे एडल्ट पीस और ब्रीड के काबिल है। जब इस तरह ये इसकी चोंच ऑरेंज होगी, मतलब ये पट्टे की होती है। और दुम वगैरह देखें आप, इनके पर देख लें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि बर्ड ठीक है, फिर आप एक खाली केज देख लें, उधर आप बर्ड अपना छोड़ के चेक कर लें कि बर्ड फ्लाई कर रहा है, बर्ड की फ्लाई बिल्कुल ठीक है। जो बर्ड की फ्लाई बिल्कुल ठीक है, वो बर्ड बिल्कुल ओके है, वो बर्ड आप परचेज कर सकते हैं। ये कुछ निशानी है बर्ड लेते वक्त ध्यान रखा जाए। चाहे कोई भी बर्ड खरीदे, अपने शॉप के लिए खरीदे या कारोबार के लिए, आपको जबरदस्त इन्फॉर्मेशन देते रहे। पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई, आने वाले पार्ट में इंशाल्लाह ताला मजीद परिंदों पे बात करेंगे, अली भाई को और तंग करेंगे, उनसे और सीखेंगे। हासन व्यापार की पाकिस्तान से मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक खुश आबाद रहें, कारोबार का सोचें, अपना नसीब बदलें, घर के नसीब बदलें। मिलते अगली वीडियो में, अल्लाह ने कहा।